हम बना रहे हैं शाही सुहांजना हांडी, और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये ऑयल डलेगा इसमें, थोड़ा सा बोनलेस चिकन, ये सुहांजना, प्याज, टमाटर, ज़ाफ़रान, कोकोनट, बादाम और काजू, लहसुन अदरक का पेस्ट, जायफल जलबत्री, दही, क्रीम, हरी मिर्च, नमक और सालन मसाला, मिक्स मसाला। ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें पहले हम ये डालेंगे ऑयल, प्याज, और प्याज डलेगा इसके बाद। ये प्याज है चॉप हुआ हुआ, अब इसमें ये लहसुन अदरक हमने डाले, और साथ ही हम इसमें बोनलेस चिकन डालेंगे। देखें जी, ये थोड़ा सा हो गया फ्राई। अब इसमें हम मिक्स मसाला डालेंगे। ये हमारे पास मिक्स सालन मसाला है, इसमें हमने बनाया है। इसमें हमने डाली है सूखी मेथी, मेथी और साथ में ये हर धनिया है, खुश्क धनिया और हल्दी, मिर्चें, सुर्ख मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ, ये हम उसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच, और मिक्स करके। साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब इसमें ये इसकी शक्ल हो गई है भूनने के बाद। टमाटर और मसाला डाल के हमने इसको थोड़ा सा भूना था। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये नमक है, और साथ ही हम डाल देंगे सुहांजना, इसमें चलेगी, साथ हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, कोकोनट पाउडर है, काजू, बादाम, ये है जायफल जलबत्री, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही, इसको ज़रा सा भून लेंगे। ये दही डाल के हमने भून लिया, साथ हमने ये साबुत 2 हरी मिर्चें डाल दी। अब हम डालेंगे इसमें क्रीम, क्रीम डाल देंगे, साथ हम डालेंगे ये ज़ाफ़रान, क्रीम डाल गई। अब क्रीम के बाद हम डालेंगे इसमें ज़ाफ़रान, ये है ज़ाफ़रान, हमने पानी में डाल के रखा हुआ था। ये हमारी हो गई हांडी रेडी, साथ सैलेड है एंड नान। नान के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है, और ये अब हम इंजॉय करेंगे, इसको खाएंगे।